गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे टू गोवा में और आज का प्लान है पंजिम सिटी जाने का। पंजिम यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और वहाँ काफ़ी देखने के लिए ऑप्शंस हैं, चर्च हैं और एक यूरोपियन स्टाइल की स्ट्रीट भी है एंड एक म्यांमार बीच है, काफ़ी कुछ है। तो अब टाइम हो रहा है 10:31, तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं, निकल पड़ते हैं, वहीं जाके नाश्ता भी करेंगे और पंजिम सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो भाई 11 बज गए, पूरा सेटअप जमाते हैं वहाँ पे और हम निकल पड़े हैं पंजिम के लिए। और अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, अपना ब्रेकफास्ट हम पंजिम में ही करेंगे। मुझे दिखा रहा है पंजिम और एयरपोर्ट के लिए ये रास्ता है, यहाँ चल पड़ते हैं। चढ़ने लगा था, पुलिस ने रोक लिया और बीच में से मेरे को वापस भेजा, बोला नीचे से जाना है। पता नहीं क्यों, शायद हो सकता है स्कूटी स्कूटर वगैरह अलाउ ना हो, सिर्फ ओनली कार्स वगैरह अलाउ हो फ्लाई ओवर पे, तो पता नहीं। वापस भेज दिया, मतलब डर गया था कि चला ना मारना काट गया। भाई भाई, यहाँ पर पंजिम में पहुँच गया हूँ और यहाँ पर मैं एक जगह पार्किंग में रुक गया हूँ थोड़ा सा। मैंने बोला यहाँ मैगी वैगी खा लेते हैं और चाय वाय पी लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा पेट पूजा हो जाए, एनर्जी आ जाए। तो ऐसी जगह है, छोटा सा ठेला लगा रखा है अंकल जी ने, पार्किंग है यहाँ पर, बसेस वगैरह खड़ी हैं। तो यहाँ थोड़ा हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करते हैं मैगी और चाय से और फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं चर्च ऑफ लेडी ऑफ इमेचुअल, क्या नाम है उसका, चर्च ऑफ लेडी ऑफ इमेचुअल कंस्ट्रक्शन है, बड़ा मुश्किल नाम है यार, बट ये फेमस है क्योंकि यहाँ गोवा की सेकंड लार्जेस्ट चर्च बेल, जो बेल होती है चर्च के ऊपर, वो लोकेटेड है। तो चलते हैं अंदर, थोड़ा देखते हैं इसमें क्या है। चर्च का गेट है, मैंने इस चर्च के बारे में पता किया था, नॉर्मल चर्च है, इतना ज़्यादा वो है नहीं फेमस यहाँ गोवा के बीच में, पर गूगल में बता रहे हैं फेमस चर्च है और ऐसा कुछ है चर्च। ये गोवा में ना आपको ज़्यादातर पंजिम साइड में जितने भी घर मिलेंगे, चर्च मिलेंगे, सब येलो, मतलब ब्राइट ब्राइट कलर, वाइट कलर्स में ही पेंटेड है। और जो मैं बता रहा था ना, गोवा की सेकंड लार्जेस्ट बेल है यहाँ पर, ये है सेकंड लार्जेस्ट बेल, फर्स्ट लार्जेस्ट को भी देखेंगे अभी, पहले इसको देख लेंगे यहाँ पर खास क्या है। ज़्यादा बड़ा चर्च नहीं है, पीछे कुछ नहीं है। तो अब चर्च के अंदर चल के देखता हूँ क्या है अंदर, शायद रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होगी बट देखूँगा कुछ अगर रिकॉर्ड कर सका आपके लिए। छोटा चर्च है ये यार, पर भगवान का घर तो भगवान का घर है। यहाँ भी कुछ हो रहा है लाइटिंग का काम, ये है प्रेयर रूम।
तो यार मैं चर्च में आ गया। अंदर प्रेयर रूम इनका अलग था, जो मेन चर्च का एंट्रेंस थी वहां पर, जैसे इनके चर्च के अंदर जैसे हमारे यहाँ आरती होती है, इनका म्यूजिक होता है कुछ बोलते हैं उसको, मुझे आता नहीं। और सेकेंडली फॉलोशिप, जो फॉलो करना स्टार्ट करना चाहते हैं क्रिश्चियनिज्म को, तो उनके लिए ये होगा। नॉर्मली जो कन्वर्ट होना चाहते हैं उन सबका वही है। बाकी प्रेयर रूम भी दूसरी साइड था, पर यार चर्च में ना शांति बहुत होती है। आप तो नॉर्मली ये चर्च ज्यादा फेमस है नहीं, या ज्यादा लोग है ही नहीं बिल्कुल। सुबह और शाम को प्रेयर के टाइम पे ही लोग आते हैं। मैंने बाहर पार्किंग वाले एक लोकल से पूछा था। तो चलो अब गोवा के दूसरे चर्च में चलते हैं। ओल्ड गोवा में बोल रहे हैं चर्च है, चलो ओल्ड गोवा की तरफ चलते हैं। तो यार ये हम फाउंटेन हाउस जगह में पहुंच गए हैं, और यहाँ का वही देखना है, यूरोपियन स्टाइल में आर्किटेक्चर है ये, तो यार यही बना हुआ है। यहाँ कहाँ पर है, पहले तो बाइक पार्क करते हैं, यही है मेरे ख्याल से। चलो पहले इधर चलते हैं। ओ वाह, घर देखो कितने यार, नीले कलर, लाल कलर, लाल तो मतलब ज्यादा लाल ही, पिंक, वाइट, येलो, क्या कॉम्बिनेशन है बने हैं यार, अच्छी है। ये पूरी स्ट्रीट ही ऐसी है लगता है। गाइस अब हम पहुंच गए हैं फाउंटेन हाउस पणजी में, और यहाँ फाउंटेन हाउस तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ मुझे एक हनुमान जी का टेंपल दिखाया है, और इसको ऐसे मारुति टेंपल कहते हैं। देखिए ये टेंपल है हनुमान जी का। और यार इस टेंपल के बारे में अगर मैं बताऊँ, तो जब पुर्तगाल शासन था यहाँ पर गोवा में, तो उन्होंने बहुत से हिंदू टेंपल नष्ट कर दिए थे, मतलब बर्बाद कर दिए थे। पर ये एक छोटा सा टेंपल हुआ करता था, और जो हनुमान जी को बहुत पूजते थे वो यहाँ छिप छिप के सीक्रेटली अपनी प्रेयर्स करते थे। तो जैसे ही पुर्तगाल का एरा एंड में आया, मतलब उसके शासन का वो अंतिम काल जो था कहेंगे, तब इस मंदिर की स्थापना हुई थी। और कहते हैं कि वैसे तो हर जगह कहा जाता है कि हनुमान जी राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, मतलब सबसे ज़्यादा बड़े भक्त थे, और राम जी के मंदिर से पहले हनुमान जी के मंदिर में जाना होता है। देखता हूँ अंदर शूटिंग अलाउ होती है नहीं होती, मेरे ख्याल से मंदिर वगैरह में यार वैसे भी शूट अलाउ नहीं होता। तो चलो एक बार देख के आते हैं अंदर कैसे है। ये देखो ये वाली सड़क यहाँ से ऊपर आ जाती घूम के, बेकार में मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़ा। चलो जो भगवान की मर्ज़ी, वो चाहते होंगे मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ाना, तो चढ़ लिए। जय हनुमान, जय हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर त्रिलोक और राघव। तो ये देखो मंदिर ऐसे ऊंचाई पे है, और यहाँ से पूरा पूरा फाउंटेन हाउस दिख रहा है। ये फाउंटेन हाउस वाली गली है, ये वाली, ये पूरी एक गली ही है जिसके लिए फेमस बोलते हैं। इसमें भी अभी जाके देखते हैं। और ये एक्सप्रेसवे है यार मुंबई के लिए, बहुत बढ़िया बना पड़ा है यार। तो यार अब मंदिर में हो गया दर्शन भगवान जी के, सैटरडे का दिन था, हनुमान जी के दर्शन हो गए, बाइक, इससे बढ़िया क्या, पहले चर्च फिर मंदिर। चलो अब भगवान हमारे साथ हैं, आज जर्नी में कुछ तबीयत वबीयत नहीं ख़राब होनी चाहिए। भगवान जी प्लीज़
तो अब चलते हैं हम वो फाउंटेन हिल्स, फाउंटेन हास ऐसे कुछ नाम है यार, कुछ गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी। वो गली है, वहाँ चल के देखते हैं, कुछ फोटोग्राफी भी करवाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और यार ये ना स्कूटी ना यहाँ तक आ सकती है, जैसे ये मंदिर है ना यहाँ तक, यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम आया था, मुझे पता नहीं लगा, मैंने स्कूटी वहाँ लगाई है। देखो वो वहाँ पर, ये जो ये गेट दिख रहा है इसके आगे, और ये सीढ़ियाँ चढ़ के आया, जबकि मैं आगे यहाँ आगे से रोड होते हुए ये वाली रोड मिल के यहाँ तक आ जाती है, तो बेकार में स्कूटी वहाँ लगाई। यार मैं सोच रहा हूँ स्कूटी से क्या जाना, ये यही गली है, आगे तक ज़्यादा बड़ी गली भी नहीं है, तो खुद पैदल चल के चलता हूँ। स्कूटी यहाँ यहाँ छाँव में लगी हुई है, थोड़ा ना ठंडा रहेगा। और ये राम जी की मूर्ति है, जय श्री राम। तो यार ये गली शुरू हो जाती है, फाउंटेन हास करके जगह ही है, अगर आप गूगल में सर्च मारोगे फाउंटेन हास गोवा करके आपको लोकेशन दिखा देगा। तो यार ये ना पंजिम में जो गोवा के कैपिटल है वहाँ पर ये छोटा सा एक स्ट्रीट टाइप से है, और इसकी खास बात है कि इसमें सारा ना यूरोपियन आर्किटेक्चर है, आपको एक मिनी यूरोप दिख जाएगा यहाँ पर। अगर आप देखेंगे इनके घरों को ना, तो घर येलो, ग्रीन, वाइट, रेड, पिंक, ब्लू, ये सब कलर दिखेगा, मतलब फ़ोटोग्राफी के लिए यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। तो यार अगर फाउंटेन हास का मैं कुछ फैक्ट बताऊँ, तो जब पोर्चुगल शासन था गोवा में, तो एक बंदा था जोई एंटोनियो कुछ नाम करके उसका बंदे का नाम था, गूगल में सर्च कर लेना। उसने कोकोनट प्लांटेशन का अपना बिजनेस शुरू किया और काफ़ी वेल्दी हो गया यहाँ से कोकोनट प्लांटेशन करके। तो उसी ने अपने वर्कर्स के लिए या फिर कैसे भी कह के ये थोड़ा स्ट्रीट फेमस कराई, और वो क्योंकि पोर्चुगल का थोड़ा वो है तो यहाँ पर स्ट्रीट वैसी ही बनी हुई है। तो स्ट्रीट है ये, आगे जाके और भी अच्छी होती जा रही है यार। स्कूल के बच्चे ने बताया कि भैया यहाँ पर गली आ गई है, कुछ ग्राउंड के पास जाके वहाँ और भी हाउसिंग वगैरह है देखने वाला, तो लेट्स गो देखते हैं। ये देखो यार ये क्या है, ये होटल है कुछ है यार, मुझे दिख नहीं रहा। यहाँ पर देखो, वाह यार ये जगह बहुत अच्छी है यार, टूरिस्ट बड़ा बड़ा है फोटोग्राफी के लिए। यार तो मैं गलत था, ये तो गली के आगे निकलते जाओ आपको भैया फोटोग्राफिक लोकेशन मिलती जाएगी। आओ यहाँ पर अपने कैमरे की मेमोरी खाली करो, फोटो खींच खींच के, जितने भी लड़के लड़कियाँ यहाँ पर आए हुए हैं सारे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं यार। न्यूली वेड, दो तीन न्यूली वेड कपल की तो फ़ोटो मैं खुद ही खींच चुका हूँ अलग अलग एंगल से। ये देखो एक कैफ़े है बहुत बढ़िया सा, ऐसे बाहर दो दो सीटें लगाई हुई हैं, अब बियर का एंजॉय कर सकते हैं जैसे ये लोग बैठे हुए हैं। छोटी सी बालकोनी है यार, फंस फंस करके बैठोगे बस, अच्छा है। देखो चलते चलते मैं मेन रोड पे पहुंच गया हूँ, बोट राइड्स वगैरह के लिए समुद्र आ गया, वो देखो वहाँ से अगर आपको दिख रहा है, वहाँ से वो क्रूज़ चलते हैं जो नॉर्मल क्रूज़ होते हैं आपको। और यहीं पर ये किंग्स कैसीनो का भी है, मेजेस्टिक प्राइड, डेल्टिंग जैक, इन सब का वो लगा हुआ है। यहीं से बोट में ना वो लेके जाते हैं, कैसीनो अंदर होते हैं, दिखेंगे तो आपको दिखाऊंगा मैं। तो यार 2:30 बज गए थे, तो मैंने खाना वाना खाया ना रास्ते में, ऐसे फ्रूट चाट वाला मिल गया था, तो उससे ऐसे मैंने पाइनएप्पल ले लिए, 50 रुपीज़ से पड़े, ठीक है यार फ्रूट वूट खा लूँगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा, गर्मी बहुत हो रही है, पसीना देख रहे हो कैसे निकल रहा है। A few moments later. तो ये अब हम आ गए हैं पंजिम के फेमस वाइट चर्च पे। तो भाई ये चर्च 1541 में बना था, और ये लास्ट अभी सिम्बा मूवी से बड़ा फेमस हो गया, सिम्बा मूवी की शूटिंग यहीं पर हुई है, जोश मूवी है शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की, उसकी मूवी भी की भी शूटिंग यहीं पर हुई है। इवन मलंग मूवी, दिलवाले शाहरुख खान की अगेन मूवी,
इन सब की शूटिंग जो गोवा में हुई है यहीं पर हुई है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा पार्ट यहाँ शूट हुआ है। ऐसा चर्च है, काफ़ी अच्छी फ़ोटो वगैरह यहाँ पर आती है, टूरिस्ट मेन फोटोग्राफी के लिए यहाँ पर आते हैं। फेमस चर्च है, एंट्री बंद की हुई है, नो एंट्री, यहाँ से भी नो एंट्री। यार मैं उस चर्च से निकल पड़ा, चर्च तो बंद पड़ा हुआ है, ऊपर जाने तो दे नहीं रहे, नीचे लोग फोटोग्राफी कर रहे थे। और फैक्ट जो है चर्च के बारे में वो मैंने आपको बता ही दिया। लो भाई उसी चर्च पर आ गए वापस। चर्च बाहर से देखने के लिए है, अच्छा है, आओ फोटोग्राफी करो, मस्त मस्त फ़ोटो खींचो, इंस्टाग्राम में डालो, फेसबुक में डालो, और फिर आगे चलते बनो। तो अब मैं जा रहा हूँ दूसरे चर्च पे, यह उस चर्च का नाम मैं वहाँ पहुँच के बताऊँगा, क्योंकि अभी यहाँ गलियों से निकल जाऊँ, क्योंकि इन गलियों में बड़ा घूम रहा हूँ मैं। देखो भैया, गोवा में भी आपको काफ़ी ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल जाएंगे, और यहाँ तो वॉल्वो की, मर्सिडीज़ की, इन सब की इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज़्यादा चल रही है, अमीर लोग रहते हैं भैया गोवा में। अगर आपको दिख रहा है तो ये गोवा का रिवर का है, रिवर के साथ में ही पंजिम शहर बसा हुआ है, और इसी रिवर के ऊपर बोट, कैसीनो बोट, डेल्टिन रॉयल वगैरह ये सब है। और यहाँ पर ना एक क्रूज भी होता है, नॉर्मल क्रूज, इसमें खाना पीना कुछ नहीं होता, बस डांस वांस करवाते हैं और थोड़ा क्रूज में घुमा के छोड़ देते हैं। ये डेल्टिन जैक है, वो देखो, वो अगर आपको दिख रहा है तो वो क्रूज है, नॉर्मल क्रूज है, इसमें कैसीनो वगैरह नहीं होते, और खाने पीने का भी और ड्रिंकिंग का भी आपको अंदर पे करना पड़ता है, 500-600 रुपए में, मतलब होता है ये आपको घुमाएगा यहाँ पर, और फिर ऊपर डांस वांस कुछ प्रोग्राम होंगे, और अगर कुछ खाना पीना है तो आप पे करके वहाँ खरीदेंगे और ये छोड़ देगा। तो ये भी वन टाइम एक्सपीरियंस लेने के ठीक है, अगर आप किसी के साथ आए हुए हैं, पर अगर आप गोवा सोलो आए हुए हैं तो भैया पार्टी तो नॉर्थ गोवा में ही है, साउथ गोवा में तो चर्च है और कैसीनोज है। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ ये बैलिस का बॉम जीसस। इस चर्च में खास बात यह है कि इसमें आपको जो इसकी बनावट है ना, ये आर्किटेक्ट जो बना हुआ है, बैरूक और पुर्तगाल टाइम का कुछ मिक्सचर रही है, और कुछ नहीं, बस बात इस चर्च में भी कोई और चर्चों की तरह फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं, बहुत पुराना चर्च है, ये तो काफ़ी पुराना चर्च है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, तो काफ़ी लोग इसको देखने आते हैं। वन टाइम वॉच है, अगर आपको थोड़ा बिल्डिंग के आर्किटेक्ट का थोड़ा नॉलेज है, ओल्ड आर्किटेक्ट पसंद है, तो आप इसको देख सकते हैं, बाकी और कुछ खास बात नहीं। और इसके अपोजिट ही यहाँ पर ये म्यूज़ियम सा है, अगर आप जाना चाहो तो इस म्यूज़ियम में जा सकते हो, काफ़ी आपको चीज़ें दिखने को मिल जाएंगी क्रिश्चियंस रिलीजन से रिलेटेड,
मैं नहीं जा रहा यार, बोरिंग हो जाता हूँ म्यूजियम में जा, म्यूजियम में जा टिकट लो, अंदर कुछ मिलता नहीं है, पैसे बर्बाद बोल रहे। हाँ अगर ये चर्च देखना है आपको, ओल्ड बिल्डिंग्स वगैरह अच्छी लगती है ना पुराने, तो ये आप देख सकते हो। तो ये 1594 में शुरू हुआ था और 1605 में बन के पूरा हुआ है। पॉज करके पढ़ लेना आप यार। तो अगर देखा जाए तो ये 400 साल से भी ज़्यादा पुराना है। पर यार एक चीज़ देखो यार, पुराने ज़माने में भी क्या चीज़ थी, देखो 400 साल पहले भी क्या मजबूत बना हुआ है। देखो पत्थर देखो, पूरा मजबूती से आज भी खड़ा हुआ है। और आज कल के बिल्डर्स भाई साहब घर बनाते हैं, क्या बनाते हैं पता नहीं, कभी सीलन कील गाड़ो तो भैया रेत ही निकल आती है। और ये प्रॉपर देखो कितना बड़ा बना है ऊंचा। तो वैसे यार यहाँ की जो टाइमिंग है ना, सुबह का पता नहीं, पर शाम को 5 बजे तक है, संडे हो कोई भी वीकडे हो 5 बजे तक ये बंद हो जाता है। और मैं यहाँ पर आया हूँ 4:45 में, 15 मिनट ही है, 15 मिनट ही देखने को फ़ायदा है। म्यूज़ियम में अगर आपको पुरानी चीज़ें देखने में अच्छा लगता है तो आप जा सकते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता यार, बोर होऊंगा इस टाइम में, कहीं और कुछ कैप्चर कर सकता हूँ। पर नॉर्मली सारे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, चर्च है, वो सब 5 बजे तक बंद हो जाते हैं। फोर्ट जो मैंने कैप्चर करने थे वो रह ही गए आज, क्योंकि मैंने गलती कर दी, मैंने यहाँ आने से पहले एक दो फोर्ट वहाँ के कैप्चर कर लेने चाहिए थे, क्योंकि वो भी 5 बजे बंद हो जाते हैं। तो यार बस यही सब है पंजीम में। चर्च है, म्यांमार बीच है, बीचेस आपने देख लिए हैं थोड़ा सा, हाँ वाइट सैंड बीच है, देखने वाला अच्छा लगता है। पर मैं शूज़ पहन के आया था, चप्पलें कहाँ कैरी करता, शूज़ कहाँ रखता, इसलिए मैं गया नहीं। वो बीच नॉर्मल अच्छा है, वाटर स्पोर्ट होते हैं पर मेरे ख्याल से वहाँ होते नहीं हैं, पर शायद हो भी सकते हैं क्योंकि मैं ऑफ सीज़न ही गया हूँ ज़्यादातर। और एक दो बीच और हैं अच्छे, पर वही है, अगर आपको प्रॉपर पार्टी बीच और वाटर स्पोर्ट वाली बीच चाहिए तो आपको नॉर्थ गोवा में ही मिलेंगे, जहाँ पर मैं ठहरा हुआ हूँ। तो अब यहाँ से ना यार मैं सीधा अब नॉर्थ गोवा की तरफ जा रहा हूँ। एक तो सुबह से एक मैगी, दो चाय, एक्चुअली क्या चाय के इतने छोटे छोटे होते हैं तो 2 कप है, वैसे हमारे लिए तो 1 कप भी नहीं है वो, एक मैगी एक चाय और वो छोटा सा पाइनएप्पल का मैंने फ्रूट का लिया था, वही खाया है सुबह से मैंने। तो चलता हूँ वहाँ जाके, मस्त डिनर ही कर लूँगा क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते 1-1.5 घंटा लग ही जाएगा, ट्रैफिक है थोड़ा सा यहाँ से, तो वहाँ पहुँचता हूँ और देखता हूँ आज रात को अगर टीटोज लेन या कोई और जगह कैप्चर कर पाया तो आपको दिखाता हूँ। तो फटाक से अब चल पड़ते हैं सीधा अपने नॉर्थ गोवा कोस्ट ऑफ हॉस्टल। तो वही चर्च तो खुला हुआ था, मैं चर्च के अंदर ही गया, प्रेयर वगैरह कुछ चल रही थी। और अभी देखा होगा आपने वहाँ पर है ना सेंट जेवियर्स की कॉफिन भी रखा हुआ है, कॉफिन जिसमें उनको किया गया था और उनकी जो बॉडी है वो प्रिजर्व करके रखी हुई थी, जहाँ पर प्रेयर चल रही थी ना वहीं पर उस बॉडी को रखा गया है। कहते हैं हर 10-20 साल में ना एक बार बॉडी को दोबारा से उस पर केमिकल लगाने के लिए किया जाता है, वो जैसे ममीज़ वगैरह रखते हैं वैसी बॉडी पड़ी है। मैंने देखी थी लास्ट टाइम आया था, पर अभी तो प्रेयर चल रही थी तो अंदर जाने नहीं दिया। चलो चर्च खुला हुआ मिल गया, अब चलते हैं सीधा अपने नॉर्थ गोवा होटल में, थोड़ा जाके हाथ मुँह धोते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर खाना खाने चलेंगे। इधर से जाना, बंद कर दिया? हाँ बंद कर दिया। अरे बहुत घूम के जाना पड़ेगा, वो साइड वाला भी बंद कर दिया, ये सामने किधर दूर पड़ेगा? अरे मेरी बाइक वहाँ खड़ी है, स्कूटी जहाँ से एंट्री की थी वो बंद कर दिया है, 5 बज गए हैं। पूरा यहाँ से घूम के यहाँ से होके वहाँ जाना पड़ेगा, चल चल के हालत ख़राब हो गई है, ऊपर से ये बैग टांगा हुआ है, 2 किलो का और बाहर चल, 2 किलो या 3 किलो हो जाते हैं, पानी की बोतल भी तो होती है, बाहर टंग करके चढ़ाओ पीठ पे लाद के। चलो चलते हैं, चलो यार चलते हैं, काफ़ी दूर आ गए यहाँ से,
50 मिनट लगेंगे मेरे को पहुंचने में। ये काफ़ी दूर है, पंजिम से भी ओल्ड गोवा आया हूँ ना मैं, तो ओल्ड गोवा से अब पंजिम जाऊँगा, सॉरी अपने नॉर्थ गोवा जा रहा हूँ, तो काफ़ी दूर है। एग्जैक्ट टाइम बताऊँ तो गूगल मैप दिखा रहा है, अगर दिख पा रहा है 41 मिनट दिखा रहा है, 21 किलोमीटर है। तो भाई मैं पंजिम पूरा घूम लिया, जो लास्ट वाला सेंट जेवियर की वो मम्मी वाला चर्च था वहाँ पर यार एक प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि मैंने ना ऐसे बैकपैक में साइड में से अपना गोप्रो लगाया हुआ था और मैंने उसका ऐसे रिकॉर्डिंग बटन दबा दिया, क्योंकि वहाँ पर अंदर अलाउ नहीं होता, तो मैंने मतलब उसमें आपको थोड़ा रिकॉर्ड होता रहेगा, किसी को क्या पता चलेगा, वो दिखाता रहूँगा, पर वो एक्चुअली वो ऑन हुआ नहीं और मैं पूरी जगह ऐसे घूम घूम के ऐसे ऐसे दिखा रहा था कि भाई रिकॉर्ड हो रहा है, पर वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। बाद में जाके बाहर निकल गए और एग्जैक्ट 5 बज भी चुके थे, फिर वो बाहर निकाल रहे थे, तो मैं दोबारा जाके ऐसे कर भी नहीं सकता था। और मेन जहाँ पर वो उसकी मम्मी रखी हुई है, एक्चुअली मम्मी के प्रिजर्व करके रखी है बॉडी, वहाँ मैंने बताया आपको प्रेयर चल रही थी, तो यार एक फुटेज नहीं आ पाई, बट चलो इज अ पार्ट, होता है ऐसा, कभी रिकॉर्डिंग नहीं होती, कभी कुछ नहीं होता, कभी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाती, ये चलता ही है यार हम ब्लॉगर के। एक जगह को हम 10 मिनट में कवर तो कर लेते हैं, पर फिर गैजेट्स वापस बैग में रखो, गैजेट्स लगाओ, माइक लगाओ, ये लगाओ, वो सब में 15-20 मिनट उसमें भी जाते हैं। तो आज सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं, वही मैगी खाई थी और वो फ्रूट्स चाट जो मैंने दिखाया था आपको, पाइनएप्पल का। तो अभी कुछ खा के कुछ ना बटर चिकन टाइप खाएंगे, डिनर ही कर लेंगे रात को, और थोड़ा रेस्ट करेंगे, कल की वापसी है, कल स्कूटी भी वापस हो जाएगी। यार एक मैं ये नियर बाई पंजाबी ढाबे पे आ गया हूँ, यहाँ मैंने एक बटर नान बनवा लिया है, हाफ बटर चिकन और एक थम्स अप। मैं यहाँ पर पंजाबी ढाबा जय भवानी नॉन वेज में हमने डिनर पूरा कर लिया है और ये अपनी मानपुरी। तो भाई अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यार बहुत मोटिवेशन मिलती है। सिर्फ आपके लिए अकेला गोवा आ गया हूँ मैं, तो जितना मैं कवर कर सका मैंने बस दिखा दिया, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो अभी के लिए चलता हूँ।